अच्छी सफलता हमारी टीम को भैरव थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई है, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगी मेरी पूरी टीम को, जिसमें बाबूलाल एएसआई साहब जो है उनकी मुख्य भूमिका रही। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे कि जो भी लोग नशे जैसी विकृति है इसको समाज में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाएँ, जिसके लिए जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है उसका काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था, जिसमें हमें रिसेंटली अभी सफलता प्राप्त हुई कि एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर पहले एक छोटा कैच पकड़ा गया और उस छोटे कैच के थ्रू जब इन्फॉर्मेशन डेवलप करके बड़े कैच पे गए, तो करीब 40 लाख की ड्रग्स, जिसके अंदर जो ये कॉर्डेक्स होती हैं, ये कफ सिरप टाइप की मेडिसिन होती है जो एक्चुअली किसी को भी बेचा जाना अलाउड नहीं होता है, और इनको एक नशे की गोलियों के रूप में भी आज के समय में समाज में रूप किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो एक गोदाम में ये स्टॉक मिली। इसके अलावा ट्रामाडॉल की जो कैप्सूल्स होती हैं, अगेन वो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, केवल प्रिस्क्रिप्शन के बाद किसी पर्टिकुलर बीमारी की केस में ही इनको लिया जा सकता है, पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये भी हमें वहाँ पर स्टोर मिली, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो ट्रामाडॉल की हमारे पास करीब 10,000 टैबलेट्स जो हैं वो मिली हैं, और जो ये कोडेक्स है इसकी करीब 21,000 शीशियाँ मिली हैं, ये हमारी जब्त हुई है। इसके अलावा उसी गोदाम के अंदर जो BNS की मेडिसिन हैं वो भी पाई गई थी, जिन्हें ड्रग कंट्रोलर के द्वारा जब्त किया गया। जो की प्लेयर है, जो की अभियुक्त का नाम है, उसका नाम डॉक्टर अविनाश करके एक डेंटिस्ट है जो कोटपुतली में का रहने वाला है, उसका नाम आया है, उसके ठिकानों पे दबिशें दी जा रही हैं, वो अभी हम नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन हमें श्योरिटी है कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों में हम उसको पकड़ लेंगे, और उसके बाद तह तक जाकर ये क्लियर किया जाएगा कि ये जो माल है ये कहाँ कहाँ सप्लाई किया जा रहा था, और मैं अश्योर करना चाहूँगी कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाए। कह रहे हैं अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी हर एक की, समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, प्रशासन पुलिस हर, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस प्रकार की जो बुरी आदतें हैं इनसे दूर रहे, और इसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो अपना रोल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके सजेशंस वेल टेकन हैं, इससे पहले भी कलेक्टर मैडम के साथ भी डिस्कशन किया जा चुका है, और डेफिनेटली जो अब CLG मीटिंग्स जो होती हैं वो हमारी रेगुलरली होती हैं, इसके अलावा रात्रि चौपाल भी होती हैं, उनके अंदर हम विशेष रूप से इस बात का ध्यान रख के इसे एक अवेयरनेस को उसके साथ एसोसिएट करके अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आज का सोशल मीडिया वगैरह का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो इसमें प्रयासरत ये रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को इस प्रकार की बुरी आदतों के बारे में बताएं, उनको अवेयरनेस जनरेट करें, और जब कोई किसी गलत राह पे चलता हुआ नज़र आए तो शुरुआत में ही उसे किस तरीके से सही राह पर ले आएं, जिसके अंदर पूरे समाज का सहयोग जो है वो आवश्यक है। और पहले भी मैं ये अपील करती रही हूँ और मैं आज फिर ये अपील करना चाहूँगी कि यदि आपको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, आमजन में किसी को जानकारी मिलती है, तो हमारे साथ शेयर करें। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है इस खराब जो एक बहुत ही पीढ़ियों को ख़राब करने वाली आदत को जड़ से उखाड़ देने के लिए। जब भी हमें कोई सूचना मिलेगी हम उस सूचना पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और अपने लेवल पे हम इंटेलिजेंस कंटिन्यूसली डेवलप करके कार्रवाई करने की कोशिश करते रहते हैं। आमजन के सहयोग से ये जो काम है ये और बेहतर किया जा सकता है। सख्त संदेश यही है कि कोई भी आदमी इस प्रकार की गलत गतिविधियों में इंडल्ज होगा तो वो पुलिस तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए, और ना केवल जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए, आपको पता है अब नए कानून भी आए हैं और उसके पहले भी प्रावधान था, अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वो सीज की जाएंगी, और जो भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन है वो उसको भुगतने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी अपने मन में कोई शिकन ना रखे, और सख्त से सख्त कार्रवाई इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ किया जाना हमारा कर्तव्य है, और हम वो कर्तव्य निभाएंगे। मैंने तब भी बताया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसके अलावा कौन रह रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसके लिए हमारा कंटिन्यूस अभियान चल रहा है। इनफैक्ट जो ये होटल्स में भी लोग आके रहते हैं उसमें भी हम समय समय पर चेकिंग करके ये देख रहे होते हैं कि किसी प्रकार के कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स यहाँ पर तो नहीं रह रहे हैं, तो वो जो एक अभियान है वो धीरे धीरे करके स्टीम पकड़ेगा, और लार्जली अगर लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं एटलीस्ट उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हों, ये हमारी प्रायोरिटी में है, वो हम कर रहे हैं। शहीदों को राउंड ऑफ करके पूछताछ कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी परिवारजनों ने या किसी ने वो बताई है, शक जाहिर किया है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी टीम जल्दी ही उस मर्डर को खोल लेगी।